हेलो दोस्तों, आज कैसे हैं आप? दोस्तों, एक बात जो मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही है आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं। आप गलत समझें या सही समझें, ये आपकी मर्जी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ वेब सीरीज चल रही हैं। उसमें से मैंने एक बहुत ही गंदी गाली सुनी तो मेरे कान लाल हो गए। लगा इसे परिवार के साथ देखना तो बहुत मुश्किल होता होगा, पर बीते एक महीने में कान लाल होने बंद हो गए। गंदी गालियां आम लगने लगी हैं। हम इन दिनों सपरिवार इन गालियों के बीच वेब सीरीज का लुत्फ उठा रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम किस तरह देखें, क्या समझें, ये हो क्या रहा है? ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार ये गंदी गंदी गालियां सुनी हैं। बचपन में गलियों में खेलते थे तो इन्हें खूब सुना करते थे। कभी कभी किसी झल्लाहट, झगड़े या गुस्से में इन्हें शायद दोहराया भी था। लेकिन ये समझ बनी रही भाई कि गालियां अच्छी चीज तो नहीं है। उनमें मां की बहनों की गंदी अवमानना छिपी होती है। पर अब ये गालियां चुभती क्यों नहीं? क्या इनमें चुभने वाला जो तत्व था वो निकल गया है? मनोरंजन और कारोबार की दुनिया पहले भी इस काम को करती रही थी। वे बहुत सावधानी से देखते हैं कि हम कितनी अश्लीलता बर्दाश्त कर रहे हैं। वो हमारे सौंदर्य बोध, हमारी संवेदनशीलता का परीक्षण करते रहते हैं और पैमाना ऊंचा करते जाते हैं। गालियों की ये नई तहजीब हमारी संवेदनशीलता पर चोट कर रही है। हम जाने अनजाने एक ऐसे समाज में बदलते जा रहे हैं जो शब्दों और ध्वनियों को उनके अर्थ प्रभावों के साथ साथ ग्रहण करने का अभ्यास खोता जा रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि क्या यह सब कुछ ठीक है? कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इन सभी चीजों को बहुत आराम से बर्दाश्त कर रहे हैं, दरअसल वो बुद्ध के दूसरे अवतार हैं। मुझे उनसे बड़ी जलन होती है कि कितने आराम से इन सब चीजों को अपने ही घर में अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर बर्दाश्त भी करते हैं और शायद मजे भी लेते हैं। ये कहां तक ठीक है, मैं इसके बारे में जज नहीं हूं। सबको सोचना होगा, और ना भी सोचें तो क्या जाता है? फिर भी दोस्तों, थोड़ा सोचिए।